नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते में आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है। दर्शकों, सत्यमेव जयते कार्यक्रम का दरअसल मकसद है कि सत्य की जीत हो और सत्य पर ही बातें आधारित रहें। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं जहां पर हर पक्ष से ये उम्मीद की जाती है कि सत्यता को बनाए रखने का वो काम करें। दर्शकों, आज का मुद्दा दरअसल ये है कि क्या महंगाई अब जग हंसाई का कारण बन चुकी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों हम लोगों ने महामारी को देखा। महामारी से पूरा देश जिस तरीके से पीड़ित दिखा, ऐसे में ये सवाल क्यों ना किया जाए कि महंगाई भी तो महामारी की तरह ही है। रोज बढ़ती चली जा रही है, कब लगाम लगेगा, कब ब्रेक लगेगी, इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं। हमारे पास चुनाव सर पर है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं जहां पर 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। समय 4 महीने के आसपास तकरीबन बचा हुआ है। ऐसे में हमारे पास तमाम मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, ओपी राजभर साहब हैं, अब तो असदुद्दीन साहब भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हैं। हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। हर किसी के पास मुद्दे हैं, बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन क्या किसी के पास महंगाई को लेकर कुछ है? क्योंकि अमूल दूध के दाम बढ़ जाते हैं, सरसों का तेल कहां पहुंच गया है, इसके साथ ही पेट्रोल के क्या दाम है, डीजल के क्या दाम है, रसोई गैस का क्या हाल है, किससे छिपा है? सरकारें बातें तो करती है ऊपरी, लेकिन अंदर दरअसल कुछ और नजर आता है। सरकार कहती है कि सड़कें बड़ी शानदार बनवा दी गई हैं, अब उन सड़कों पर चला कैसे जाए ये सरकार नहीं बताती, क्योंकि पेट्रोल के जो दाम हैं वो एक आम आदमी की जेब पर ऐसा डाका डाल रही हैं जिससे आम आदमी त्रस्त है। इसके साथ ही सरकार दावे करती है कि उसने घर घर जाकर गृहिणियों को गैस के सिलेंडर बांटे, ठीक है, लेकिन गैस का जो दाम है उससे सिलेंडर भरवाया कैसे जाए, वो गृहिणियां कैसे उस सिलेंडर को भरवा पाएंगी, गैस रिफिल करवा पाएंगी। इसके साथ ही सरकार दावा करती है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी, बच्चा पढ़ भी गया, बड़ा हो गया, स्कूल कॉलेज सब कुछ हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो बेरोजगार होकर सड़क पर घूमने लगा। तो ये सब मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं जिन पर गहन चिंता करने की जरूरत है और चिंतन की भी जरूरत है, आवश्यकता है। तो ऐसे में आज हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर महंगाई का जो मुद्दा है पिछड़ क्यों जा रहा है, जिससे जनता इतनी त्रस्त है, तो आखिर इस पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो खुलकर बात क्यों नहीं कर पाती। सब अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन तो करती हैं, लेकिन क्या नीयत उतनी साफ होती है? क्या किसी भी सरकार को जनता के जो महंगाई है जिससे जनता त्रस्त है उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई सरोकार नहीं? हर प्रदेश का अमूमन यही हाल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है, लेकिन मुद्दों से ये चीजें दरक क्यों नहीं है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कीर्ति निधि पांडे साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। भूदेव शर्मा साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सत्यमेव जयते में। सबसे पहले मैं गौरव मिश्रा साहब के पास आऊंगा। गौरव मिश्रा साहब, जैसे कि मैंने अभी कहा, इस पर विशेष चर्चा करने की जरूरत है। हर कोई हर तरीके की चर्चा हो रही है कि आज अखिलेश यादव ने यहाँ क्या कहा, इस रैली में क्या संबोधन किया, इसके साथ ही आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, ओपी राजभर ने आज क्या कुछ कहा, क्या असदुद्दीन ओवैसी भी ओपी राजभर के साथ सपा में शामिल होंगे, ये सब सवाल हैं, लेकिन इस पर जवाब किसी और दिन लिया जाएगा। आज जो मुद्दा है वो दरअसल महंगाई को लेकर है। ये बताइएगा कि जब आप कहते हैं कि सड़कें बहुत अच्छी बन गई हमारे राज्य में, उन सड़कों पर एक आम आदमी कैसे चल पाएगा जब अगर हम पेट्रोल के दामों पर बात करें तो वो 100 के पार ही जाते हैं, 100 के जो कम रहते थे अब वो 100 के पार दिखते हैं। आप गैस सिलेंडर देने की बात करते हैं, लेकिन उस सिलेंडर को रिफिल कैसे करवाना है इस पर कोई सोच विचार नहीं होता। सरसों का तेल कहाँ जा रहा है, सब्जियां कहाँ जा रही हैं, सबके दाम जो हैं वो रिकॉर्ड तोड़ स्थिति पर है, इस पर चर्चा की आवश्यकता है। ये क्या कुछ हो रहा है? नहीं, जितने भी लोकतंत्र में विषय होते हैं सभी चर्चा की आवश्यकता है, लेकिन किसी चर्चा को एजेंडा बनाया जाए, उसको नैरेटिव की तरह सेट किया जाए, उससे बचने की आवश्यकता। देखिए, विश्व महामारी के दौर से गुजर रहा है और दुनिया नीचे चली गई, यहाँ तक कि हमारे यहाँ भी जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो GDP है, वो माइनस में चली गई। लेकिन यदि आप इनके इसका स्टैटिस्टिक्स देखें तो पिछले कुछ महीनों में सबसे न्यूनतम दर पर खुदरा महंगाई वृद्धि दर जो है सबसे न्यूनतम स्तर पर है, 4.3 के आसपास है। जो RBI ने जो सेट किया है मानक, वो 2 से 6 के बीच में होना, यही अगर आप पहले देखें तो 11-12% तक चली गई थी, तो लगातार जो है इसको नियंत्रण में लिया जा रहा है। रही तेलों की जहां तक बात है, डीजल या पेट्रोल की, तो देखिए डीजल और पेट्रोल लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान पूरी तरह से दुनिया में सप्लाई की रुक गई थी, और ये OPEC तय करता है कच्चे तेल के दाम को, और जो 13 देश हैं
वो 13 देश अपने घाटे को किस तरीके से कवर अप करें, उस दिशा में उन लोगों ने काम शुरू किया है और तेल का ही दाम बढ़ा दिया। आज 85-86 डॉलर पर बैरल जो है वो दाम उसका बढ़ा दिया गया है, तो उसका इंपैक्ट निश्चित रूप से सिर्फ भारत में नहीं सभी जगहों पर पड़ेगा। हाँ, इससे इससे उपजी जो अन्य जो साइड इफेक्ट्स हैं उस पर किस तरीके से नियंत्रण प्राप्त किया जाए, ऊपर हमारी सरकार ने बहुत तेज गति से काम करना शुरू किया है। और जो विदेशों पर आयात होने वाला, जो विदेशों से आयात होने वाला जो ये ईंधन तेल है, उस पे हमारी निर्भरता किस प्रकार से कम हो, आने वाले ज्यादा नहीं 10 वर्षों में हम किस तरीके से आत्मनिर्भर होने, भी बहुत तेज गति से काम हो रहा है, चाहे वो इथेनॉल फ्यूल की बात हो, बायो फ्यूल की बात हो, फ्यूल की बात, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात, सब ठीक है। आपकी आपकी ठीक है, आपकी सरकार ठीक काम कर रही है, ठीक है गौरव मिश्रा साहब, ठीक है गौरव मिश्रा साहब, आपकी बातें कहने और सुनने के लिए बेहतर है, शानदार है। लेकिन गौरव मिश्रा साहब, जनता के बीच जो हाहाकार मचा हुआ है महंगाई को लेकर, आपने समस्याओं पर बात कर ली, आपने बता दिया कि समस्या कहां कहां आ रही है, लेकिन आप सत्ता में है तो समाधान की बात तो आपसे ही सुनना चाहेगी जनता। तो जो हाहाकार मचा है महंगाई को लेकर, इस पर समाधान क्या है? कि महंगाई का दुष्प्रभाव मध्यमवर्गीय और गरीब जनता के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। हमारी सरकार ने इस महामारी के दौरान अन्न वितरित किया जा रहा है 80 करोड़ जनता को, अब उसमें तेल को भी शामिल किया गया है, उसमें खाने वाले तेल को भी शामिल किया गया है, तो निश्चित रूप से जो परिस्थितियां चली है, जिस तरह से इकोनॉमी डाउन हुई है, अब विशेष में उठना शुरू हुई है, इसको एक लीनियर मोशन में आने में थोड़ा समय लगता है, और मुझे लगता है उस पर नियंत्रण पूर्ण रूप से सरकार ने प्राप्त कर लिया है, और यह बहुत जल्दी इसके अनुकूल परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि महंगाई जैसे विषय को एक नैरेटिव के रूप में सेट करने की, तो आप ये बात मानते हैं गौरव मिश्रा साहब कि आने वाले समय में आपकी सरकार महंगाई पर काबू पा लेगी? नहीं, काबू पा रही है, आप देखिए ना पिछले, कैसे काबू पा रही है, कौन सा काबू है? न्यूनतम स्तर पे अगस्त देखिए, अगस्त में जो 5.5% जो थी वो करके 4.24 के आसपास आ गई, तो सबसे न्यूनतम स्तर पर खुदरा महंगाई दर है। अब उसको फैक्टराइज हम नहीं करना चाहेंगे कि सेरल का क्या है और खाद्यान्न का क्या है और वेजिटेबल्स का क्या है, हम नहीं जाना चाहेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन एक मोटे तौर पर जो देखा जाता है पूरे देश में महंगाई की जो दर है वो पूरी तरह से नियंत्रण में और लगातार उसको कम किया जा रहा है, नीचे जा रहा है। और रही जो कच्चे तेल के दामों में जो वृद्धि हुई है, उस कारण से हमारे यहाँ जो डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ है, उस पर भी कड़ी निगाह सरकार बनाई हुई है और उस पर भी चर्चा कर रही है, संभव है ठीक है, आप कुछ रिलैक्सेशन आए समय, ठीक है, आप ठीक है, आप एक्सक्यूज देते हो नजर आ रहे हैं। कीर्ति निधि पांडे साहब भी हमारे साथ हैं। कीर्ति निधि जी, गौरव मिश्रा साहब कह रहे हैं कि महंगाई पर तो काबू पा लिया गया है, कहां महंगाई नजर आ रही है? देखिए गौरव मिश्रा जी को 2014 के लोकसभा चुनाव का वक्त याद करना चाहिए था, जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए और सुषमा स्वराज जी अभी दुनिया में नहीं है, जेटली साहब नहीं है, ये लोग तमाम लोग दिल्ली की सड़कों पर बहुत हुई महंगाई, बीमार अब की बार मोदी सरकार के नारे लगा रहे थे, तब सिलेंडर का दाम सिर्फ 400 रुपए और आज सिलेंडर का दाम 1000 और तमाम समाचार पत्रों में आज छपा कि अगले हफ्ते सिलेंडर के दाम कुछ और बढ़ सकते हैं। ये इनका नियंत्रण है। इन्होंने क्या नारा दिया? इन्होंने नारा दिया था कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था लाएंगे कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति जहाज में यात्रा करेगा। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में यात्रा नहीं किया, हवाई जहाज के जितने एयरपोर्ट है जहां से हवाई जहाज उड़ते हैं सारे निजीकरण की तरफ चले गए, देश में बड़े पूंजीपति उसको करेंगे। सरसों के तेल के भाव कहां है, दाल के भाव कहां है, और कल मैं खुद स्वयं गया सब्जी लेने, तो मैं बड़े आश्चर्यजनक स्थिति में था। नहीं तो जब आप कीर्ति निधि साहब, अब जब आप सब्जी लेने जाइएगा और कुछ भी लेने जाइएगा, अगर आपको दाम महंगे लगते हैं तो आप ये आंकड़े बता दीजिएगा जो गौरव मिश्रा साहब ने बताए हैं कि इतने इतना कम हुई है। आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझको ये आश्चर्यजनक लगा कि कल मैं सब्जी मंडी में था तो 18-20 रुपए किलो की आलू जो अब तक बिकती आ रही थी, कई ठेले वाले ने कहा 35 रुपए किलो है।
मैं बड़े आश्चर्यजनक भाव से उसका चेहरा देखता रहा थोड़ी देर तक। कह रहा भैया कल मैं भी 20 में बेच रहा था, आज दाम बढ़ गया, आज 35 में बेच रहा हूँ। तो ये हालात है बाजारों की। ये 5 किलो चावल और गेहूं देकर के समझ रहे गरीब घर पे भोजन कर ले रहा है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिसको इन्होंने गैस दिया उज्ज्वला योजना में 70% लोग दोबारा गैस की रिफिलिंग नहीं करा पाए, लोग कड़ू का तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, लोग दाल नहीं खरीद पा रहे हैं, ये चावल और गेहूं देकर के गरीबों का पेट भर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चावल और गेहूं के बाद भी तमाम खर्चे हैं, उसके इंतजाम होने चाहिए। अगर गरीबों को राशन दिया जा रहा है उसके साथ कुछ नगद का भी इंतजाम गरीबों को करना चाहिए, जिससे वो ईंधन का इंतजाम कर ले, मसाले का इंतजाम कर ले, तेल का इंतजाम कर ले, उसके घर में दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर, डीजल पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रुपए का मूल्य गिर रहा है, प्रधानमंत्री अपना सारा भाषण भूल गए जो 2014 में दिया करते थे, और लगातार महंगाई बढ़ रही है। मैं कह सकता हूं वही कीर्ति निधि साहब दरअसल बहुत जमीनी चर्चा है, आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों का खेल करना होता तो ग्राफिक्स के जरिए मैं भी समझा देता। लेकिन कीर्ति निधि साहब ये चीज जानना चाहूंगा कि विपक्ष की भी तो कुछ भूमिका होनी चाहिए यहाँ पर। जैसे ये लोग जो थे बीजेपी की बात करूं, जब बीजेपी विपक्ष में था तो एक मजबूत विपक्ष दिखता था, सड़कों पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करना, जाम करना, सब कुछ आता था इनको। लेकिन आप लोगों के साथ वो दिखता नहीं। आप कह रहे हैं भूल गए प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि सीएम भूल गए, तो आप याद दिलाइए इनको। मैं आपको बता रहा हूं मैं आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक बहुत संजीदा मुद्दा पर डिबेट कराया। हम लोग इतने आहत हैं विपक्ष के लोग कि धरना हो, प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, तमाम मीडिया के साथी दो लाइन समाचार पत्रों में लिखने के मोहताज हो गए, चैनल्स दिखा नहीं पा रहे उन खबरों को। और मैं आपको इसलिए बार बार धन्यवाद दे रहा हूं, दिल से धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने एक आम गरीब की, आम नागरिक की, आम भारतीय की जो ज्वलंत मुद्दा है उसको आज आपने उठाने का काम किया है। न्यूज वन इंडिया की पूरी टीम को समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लगातार ऐसे जनहित के मुद्दों को उठाते रहें। अपनी बात पर आइए कीर्ति जी, मैंने आपसे जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं मिला मुझको। मैं उसका जवाब दिया, मैं आपको नहीं, इसी आप, हमारी टीम को धन्यवाद नहीं, मैं ये जानना चाहता था कि विपक्ष की कोई भूमिका है कि नहीं है, क्योंकि विपक्ष की भी तो एक लोकतांत्रिक जो पूरा सिस्टम है उसमें विपक्ष की भी भूमिका है। आपके कहने या सुनने से काम नहीं चलेगा, आपका भी काम है। अगर आप कह रहे हैं कि वो भूल गए तो उनको याद दिलाइए। धरना प्रदर्शन किए लगातार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी किसान नौजवान पटेल यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर के पिछले 2 महीने से चल रहा, हर जन सभाओं में इस बात को कहा जा रहा है। कल मऊ के हलधर के मैदान में भी इस महंगाई की चर्चा हुई, ओम प्रकाश राजभर जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चर्चा किया इसकी, लगातार जनता के बीच में सवाल है और जनता इस मुद्दे से बहुत महंगाई से बहुत परेशान भी है। ठीक है, चलिए भूदेव शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भूदेव शर्मा साहब, ये जानना चाहूंगा आपसे, ठीक है आपने महिलाओं को लेकर जो यहाँ पर दांव खेला है, ठीक है, अच्छी बात है वो, लेकिन इसके साथ ही महंगाई जो है वो दरअसल एक बड़ा मुद्दा है। आपकी सरकार जो सेंटर में हुआ करती थी, वो जब सरकार गई थी या कह दूं पहले कि जाने से पहले जो हिलाई गई थी, वो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर हिली थी। तो ऐसे में जब आज एक बार फिर महंगाई को लेकर हर जगह हाहाकार है, चर्चा हो रही है, तो ऐसे में आप लोग कहाँ पिछड़ रहे हैं? देखो काविंद्र जी, आज बड़ी हास्यास्पद बात है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं गौरव मिश्रा जी, वो महंगाई को जायज ठहरा रहे हैं। मतलब उसको लेकर के उन्होंने बिल्कुल ऐसे बोला कि महंगाई बहुत अच्छी है। जिस देश में 80% जनसंख्या गांवों में रहती है, उस देश के लोगों को आप अभी आंकड़ा बताने में लगे हुए हैं। अगर आप आंकड़े की बात करते हैं तो आंकड़ा अगर आपको बताना है तो आप हमें बताइए। अरे आप उनको ये बताइए कि महंगाई में आलू की क्या रेट हुई है, खाद का जो कट्टा था वो पहले कितने का आया करता था। केवल पेट्रोल और डीजल की बात नहीं है, कि सिलेंडर की बात नहीं है, इनको ये पता होना चाहिए कि पेट्रोल डीजल और गैस की वजह से या पेट्रोल डीजल की वजह से जो ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, उसकी वजह से हर चीज रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जो चीजें हैं, उनकी जो महंगाई बढ़ रही है, उनकी रेटें जो बढ़ रही है, आप आटा ले लीजिए, आप सब्जी ले लीजिए, आप दाल ले लीजिए, आप तेल ले लीजिए, हर चीज की कीमतों में वृद्धि हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महंगाई 2014 से पहले इनके लिए
इन 2014 से पहले इनके लिए डायन हुआ करती थी, आज वो इनकी डार्लिंग हो गई है, जिस पर कोई भी मंत्री मतलब आप मान रहे हैं कि आपकी सरकार में भी महंगाई जो थी वो चरम पर थी, आप ये मान रहे हैं? ठीक है, मैं उसका भी जवाब देंगे। नहीं, आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने ये बोला कि बीजेपी वालों के लिए जब 10 पैसे पेट्रोल में भरते थे तो ये बैलगाड़ी से संसद पहुंचते थे, ये रोड पर आकर के नाच करते थे, जब इनको महंगाई डायन नजर आती थी। आज महंगाई जब पेट्रोल जो 60 से 100 को पार कर गया, सिलेंडर 400 से 1000 को पार करने वाला है, आज उनको वो डार्लिंग दिखाई देती है। इस पे इनकी स्मृति ईरानी हो या कोई और मंत्री हो, बोलना ही नहीं चाहते। सबसे बड़े देश का दुर्भाग्य ये है कि देश के जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी अच्छे से करती रही है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने अभी पूछा कि विपक्ष का जो काम है, विपक्ष अपना काम पूरी तरह से कर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में हम मानते हैं सबसे बड़ी पार्टी है। हर मुद्दे को, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानों का मुद्दा हो, दलितों का मुद्दा हो, देश के लोगों के मुद्दों को हम पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और डेली इसके लिए आंदोलन हो रहा है। हमारी भारतीय युवा कांग्रेस भी प्रत्येक दिन दिल्ली में, जयपुर में या दूसरी जगहों पर जहां पर भी रोजाना आंदोलन हो रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज मीडिया दिखाना नहीं चाहता, आज अखबार उनको दिखाना नहीं चाहता है, और लोगों के पास आज इतना पैसा नहीं है कि आज वो इसका विरोध करने के लिए अपने गांव से रोड तक आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं काविंद्र जी, आजकल आधे से ज्यादा समय तो प्रियंका गांधी जी टीवी पर ही नजर आती हैं। अब कबाल नहीं, प्रियंका गांधी जी नजर आती है, लेकिन आपने ये देखा कि विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, क्या उनको कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या क्या मीडिया जिस सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि ये महंगाई यहाँ बढ़ रही है, उससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वित्त मंत्री जी तो आकर के बोल देते हैं कि वो तो प्याज खाती नहीं, उनके यहाँ तो दिवाली का त्योहार मनाया नहीं जाता है, तो महंगाई से उनको मतलब नहीं है। अरे भैया, देश के लोगों के बारे में सोचिए, ये प्याज समाधान पर बात करते हैं। ठीक है, समाधान पर बात करते हैं। ये बताइए कि आप इस चुनाव में तेजी के साथ, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, मैदान में है उत्तर प्रदेश के लिए, आपके पास महंगाई को लेकर क्या कुछ है जनता के सामने, आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, क्या है आपका, आपके पास क्या कुछ? काविंद्र जी, आप देखिए कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश ही क्या, हम तो पूरे देश में महंगाई को कंट्रोल करेंगे। ये प्रति बैरल तेल के दाम बढ़ने की बात करते हैं, जब इंटरनेशनल मार्केट में 150 रुपए प्रति बैरल हुआ करता था, उस समय भी हमारे यहाँ 60-65 रुपए को कभी पेट्रोल क्रॉस नहीं कर पाया था। नहीं, वो तो कहते हैं कि आपने ऑयल बॉन्ड्स लिए थे, वो तो कहते हैं कि आपने उधारी ली थी, सामान्य भाषा में कहूं वो कहते हैं आपने उधार लिया था, उसको तो आज भूख भर रहे हैं। अगर मैं पूरा डाटा गिनाऊंगा कि उससे ज्यादा ये कमा, डाटा पे बात नहीं कर रहा, डाटा देखिए भूदेव जी, आप भी डाटा गिना रहे हैं, गौरव मिश्रा साहब भी डाटा गिना रहे हैं, डाटा का जो महंगाई का जो चाटा दरअसल आम जनता पर पड़ रहा है उसका क्या है? एक आदमी सरसों का तेल लेने अगर दुकान पर जाता है, उससे कहा जाता है 200 रुपए का एक लीटर है, तो वो क्या दिखाएगा कि गौरव मिश्रा साहब ने बताया है कि महंगाई दर तो घट गई है? ये बताएगा वो उसको, दुकान वाले को क्या बताएगा उसको? तो डाटा ये सब बात नहीं है, इसीलिए ये चर्चा दरअसल डाटा का उपयोग नहीं, गरीब निर्धन आदमी की बात हो रही है यहाँ पर, जो आखिरी पंक्ति पर खड़ा है। आप सियासतदान है, आप सब लोग सियासत करते हैं, लेकिन आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है उस पर महंगाई की जो मार पड़ रही है उसके लिए समाधान क्या है? राजेंद्र जी, वही मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार में जो भी नीतियां बनाई जाती थी वो देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती थी, देश के 80-90% लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी नीतियां बनाई जाती है वो देश के उद्योगपतियों को, देश के पैसे वालों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। ये सरकार हम दो और हमारे दो की सरकार है, जितनी भी नीतियां आती है वो केवल उद्योगपतियों के ध्यान में रखते हुए आती है, गरीबों के लिए इनके पास नीति नहीं है, क्योंकि ये गरीब, क्योंकि ये प्याज खाते नहीं है, ये त्योहार मनाते नहीं है, ये तो विदेशी मशरूम खाते हैं, तो ये नीतियां कैसे बनाएंगे? अब आप देखिए कि जो नीतियां बनाने वाले हैं, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी है, उनके लिए भी इन्होंने लिटरल एंट्री सिस्टम शुरू कर दिया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के 80% लोगों के हितों का कौन ध्यान में रखेगा। ठीक है भूदेव शर्मा साहब, सुनना आपको, ठीक है गौरव मिश्रा साहब, भूदेव शर्मा साहब दरअसल आप पर ये कहना चाहते हैं कि महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, महंगाई के चलते जिस तरीके से आम आदमी जो परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, इसके पीछे जो कारण है वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी जो है 1% जो सबसे अमीर लोग हैं उनके लिए काम कर रही है, जो गरीब जो निर्धन है उनके लिए दरअसल बीजेपी काम ही नहीं कर रही, इसलिए महंगाई जो है वो हर रोज बढ़ती चली जा रही है। देखिए, इन्होंने कहा बीजेपी सिर्फ 1% लोगों के लिए काम कर रही है, और इन्होंने सबसे अधिक समय तक देश के ऊपर में शासन किया है, तो 11 करोड़ घरों में शौचालय नहीं बने थे,
गरीबों के घर शौचालय नहीं बने थे, 44 करोड़ गरीबों के खाते नहीं खुले थे, बैंकों का रास्ता वो नहीं देखे थे, बैंकों के चौकी पे नहीं गए थे, अकेले उत्तर प्रदेश में 42 लाख लोगों को घर अब तक मिल चुका है, उनको घर नहीं मिला था, पक्का मकान नहीं मिला था, लोगों को शुद्ध पेय जल नहीं मिला था, ये क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये 2013 में 2014 में हमारी सरकार बनी है, उस समय का अंतिम आंकड़ा भी अगर आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर 2013 का, तो उस समय भी 12% की महंगाई दर थी, और इनके नेता दालों की कीमत 300 पहुंच गई थी, इनके नेता विदेश से निर्यात कर रहे थे, भारत के अंदर में वही दाल भेज रहे थे, और ये वही लोग हैं जो तेल के बदले अन्न का घोटाला करते हैं, तेल के बदले अन्न का खेल करते हैं। सर कोलगेट घोटाले के बारे में भी बताइए कालेंद्र जी, वो किसकी सरकार में हुआ कोलगेट घोटाला? नटवर लाल जी ने, नटवर सिंह जी ने, नहीं आप कोलगेट घोटाले के बारे में भी बताइए वो किसकी सरकार में हुआ। आज आज हमारे छोटे छोटे पड़ोसी देशों पर भी कोरोना की मार पड़ी है, ठीक है, इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो उसी समय टूट गई थी जब आपने नोटबंदी किया था, उसी समय देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट चुकी थी। आप अपनी गलती को स्वीकार करना सीखिए, देखिए ये देश है, इसमें आपको अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। आप शौचालय बता रहे हैं, जब लोगबाग जिंदे नहीं रहेंगे, भुखमरी के कारण लोगबाग मर जाएंगे, तो उन शौचालय का क्या उपयोग करेंगे, कौन उपयोग करने आएगा? हम आज मुद्दे को आवश्यकता है, लेकिन लोगों के जिंदा होने के बाद आज हमारे पड़ोसी देश हमसे हर चीज में हमसे आगे, हैप्पीनेस इंडेक्स में, आप जो सोच रहे हैं उसको सबको बोलेंगे क्या, हर चीज की इंडेक्स में क्या? रुकिए भूदेव जी, थोड़ा सा ठहरिए, गौरव मिश्रा साहब अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, ये 70 साल में नहीं हुआ, इनको इनको हर चीज बतानी चाहिए ना। आप आंकड़ों में लोगों को मत घुमाइए, आप बताइए कि महंगाई क्यों बढ़ी, आज आम आदमी की जेब पे इतना खर्च कैसे बढ़ा कि वो तेल की जगह पानी में सब्जी बनाने के लिए मजबूर हो गया, और ये बात हम मीडिया के थ्रू देखते हैं, हम उनके घरों में देखने नहीं जाते। सवाल तो बनता है, जवाब यही आपकी है, गौरव मिश्रा साहब जवाब दीजिए, जवाब देना पड़ेगा आपको। नहीं भूदेव जी, आप सरकार में हो, भूदेव जी जवाब देने का समय भी देना पड़ेगा। रुकिए गौरव जी, बात देखिए, मुद्दा विहीन विपक्ष ऐसे जगहों में मुद्दे खोजने का प्रयास करता है और ये पटाक्षेप हो जाता है इनके साजिश का और षड्यंत्र का। महंगाई को भी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। महंगाई को मुद्दा बनाने का प्रयास नहीं है, महंगाई मुद्दा है, गौरव मिश्रा साहब महंगाई मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा जो सबसे, नहीं एक मिनट अगर विपक्ष के नेता, नहीं रुके जरा ठहरिए, आप लोग इसको पूर्णतः सियासी डिबेट मत बनाइए, सियासी बहस का मंच नहीं है ये, एक सेकंड ठहरिए। एक आम आदमी का सवाल है गौरव मिश्रा साहब की महंगाई रोजाना क्यों बढ़ती जा रही है, इस पर विपक्ष का क्या काम है? आप विपक्ष पर आरोप मत लगाइए, आप ये बताइए कि लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है ये क्यों बढ़ती जा रही है, और आप कह रहे हैं इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये मुद्दा बनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा, दरअसल ये मुद्दा है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है आपके पास मुद्दा नहीं होगा ये, ठीक है आप अपना सिलेंडर भी भरवा लेते होंगे, गाड़ी में तेल भी डलवा लेते होंगे, लेकिन एक आम आदमी वो कैसे करे, ये सवाल है और जवाबदेही आपकी है। मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये वही विपक्ष है जब इस देश ने पहली बार व्यापक पैमाने पर बड़े पैमाने पर आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, ये बताइएगा विपक्ष का आप नाम क्यों ले रहे हैं, विपक्ष पर आरोप मत लगाइए, आपकी विपक्ष की आपके पास समाधान क्या है? आप चुनावों में एक बार फिर से सामने आ रहे हैं, आप सरकार में आप चुनाव में सामने आ रहे हैं, आपके पास क्या है, प्लानिंग क्या है? इन लोगों ने उतनी बेहतर सरकार को गिराने का काम किया था, आज ये मुद्दा विहीन है, इस वजह से महंगाई को मुद्दा बनाने का काम, आज महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, आज इतने मुद्दे हैं, लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण जवाब नहीं है, सरकार में होकर ऐसी बातें सरकार चलाने का कोई मुद्दा नहीं है, आज पूरा देश इनकी गलतियों का परिणाम भुगत रहा है। ठीक है चलिए आप तीनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही आज कि गौरव मिश्रा साहब जो कि सरकार की ओर से प्रवक्ता थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं गौरव मिश्रा साहब, इन्होंने एक बात कही दर्शकों, इन्होंने कहा कि ये जो महंगाई इसको विपक्ष की ओर से मुद्दा बनाने की कोशिश है। अगर गौरव मिश्रा साहब जमीन पर जाएं, गांव जाएं, देहात जाएं, गली कूचे जाएं, तो वो समझ पाएंगे कि महंगाई को मुद्दा बनाने की जो कोशिश है वो दरअसल विपक्ष नहीं कर रहा, वो एक आम आदमी कर रहा है। एक महिला जो गांव में रहती है, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, दूर है उसके स्कूल, वो कैसे जाती है, किस तरीकों से जाया जाता है, एक गृहिणी जो घर में रात का भोजन बना रही है, सरसों का तेल का दाम क्या है, उससे पूछेंगे तो गौरव मिश्रा साहब समझ पाएंगे कि दरअसल महंगाई को मुद्दा विपक्ष नहीं जनता बना रही है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे।